हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अपना न्यू बिल्डिंग में एंट्री होने वाला है। तो कल सर लोग आए और कॉलेज में है, तो कल सर लोग आए और बोले कि अब से तुम लोग न्यू बिल्डिंग में जाओ, क्योंकि बैठने का इंतज़ाम सही से नहीं है ना, इसलिए सबको न्यू बिल्डिंग में जाना है। फिर उसके बाद टाइम टेबल भी बना है कि एक बिल्डिंग में जाओ, फिर दूसरे क्लास के लिए दूसरे बिल्डिंग में, फिर तीसरे क्लास के लिए फिर एक बिल्डिंग में ऐसा। तो अब कॉलेज जाकर ही देखेंगे कि क्या सिस्टम है। और भाई कड़ाके की ठंड हो रही है इधर, स्वेटर वेटर पहन के मैं तो निकला हूँ, निकला भी हूँ, अंदर नहीं हूँ, बाहर में बहुत ठंड लग रही थी तो अंदर आ गई। और अभी लेट से ही उठा हूँ, कई 7 साढ़े 7 को। चलो तो ठीक है, तैयार होकर आपसे फिर से बात करते हैं और कल मिलते हैं फिर। ओके, तो मैं हो गया हूँ तैयार, अब खाना पीना होगा यानी कि भोजन पानी, फिर उसके बाद निकलूँगा कॉलेज के लिए। तो आज फर्स्ट दिन है नए बिल्डिंग में, तो थोड़ा जल्दी जाऊँगा तो अच्छा लगेगा, ना क्लास के बीच में जाना अच्छा नहीं लगता। तो अपना क्लास होता है 11 बजे से, तो थोड़ा 11 बजे से पहले जाना पड़ेगा। तो चल, अब तो तैयार तो हो गया, तो भोजन पानी करता हूँ, पेट पूजा, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए निकलता हूँ। तो अब सीधा हम लोग कॉलेज में मिलते हैं। ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ कॉलेज, और ये अपने सामने में है साइंस बिल्डिंग, वो पीछे वाला न्यू बिल्डिंग है जहाँ अपना नया क्लास होगा। तो मैं पहुंच गया हूँ न्यू बिल्डिंग के पास, और यहाँ होगा अपना केमिस्ट्री का क्लास, और ये है फिजिक्स लैब। चलो ऊपर में है अपना क्लास केमिस्ट्री का, तो चलते हैं ऊपर। तो अपना क्लास खत्म हो गया, मज़ा भी आया, लेकिन आज जल्दी आऊँगा सोचा था, लेट हो ही गया और बैग में जगह भी गया। चलो ठीक है, कल जल्दी आ जाएंगे। और बाहर का तो हाल भी हाल लग रहा है, धूप निकला हुआ है ऐसा लग रहा है। अब और आगे जैसे क्लास में जाना है तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलो चलो, तो आज तो सही से क्लास नहीं हुआ, लेकिन अब घर ही चलते हैं, यहाँ रुकने का भी तो मतलब नहीं है। बाकी लोग तो चले भी गए, अब मैं भी चलता ही हूँ। तो अपना ये अपने कॉलेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेड़ है, यहाँ पे बैठे रहो मस्त आराम से शीतल छाए में, सबका गाड़ी यहीं पे खड़े होते हैं। तो देखो व्हीकल्स यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये अपना वही ट्री, और फिर इधर ये किनार रोड है, इसको भी कभी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से बनाया। अरे अपना छोटा सा साइकिल स्टैंड, अब चलो निकलता हूँ मैं। तो गाइस अभी हो गया शाम, और मैं लगभग दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ गया, और आज तो पूरा हाल बेहाल था भाई। लेकिन न्यू बिल्डिंग में क्लास हुआ चालू, तो न्यू बिल्डिंग में पहले क्लास हुआ, फिर सेकंड क्लास हुआ पुराने बिल्डिंग में, फिर न्यू बिल्डिंग में आए थर्ड क्लास के लिए, और फिजिक्स क्लास में। तो अपना बोर्ड एक नहीं है तो टीचर लिखवाएगा किस में, अच्छा हुआ कि आज क्लास ही हुआ, वरना टीचर लिखवाता किस में बेचारा। और वैसे भी आज डेरिवेशन होने वाला था, उनकी अभी फिजिक्स क्लास में डेरिवेशन करना था, जो इक्वेशन है उसका फुल डेरिवेशन होने वाला था, लेकिन बोर्ड ही नहीं है तो किस में लिखवाती हूँ यार, तो आज क्लास ही नहीं हुआ उसके चक्कर में। और न्यू बिल्डिंग में केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट
अपना फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री होता है, तो न्यू बिल्डिंग में क्लास होगा क्या करा, जल्दी जाने वाला था लेकिन उसमें भी लेट हो गया और बैग में जगह मिला। तो मैं सोच रहा था कि आज फर्स्ट क्लास है न्यू बिल्डिंग में, तो पहले में जाके बैठूंगा आगे, लेकिन ये नहीं हो पाया और लास्ट में जगह मिला। चलो वो भी ठीक है, इतना लंबा लाइन भाई, वीडियो में भी देखे होंगे आप लोग कि इतना लंबा लाइन था, अब कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी सर इतना जोर जोर से चिल्ला कर पढ़ा रहे थे तो जाके थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था। कल से जल्दी जाऊंगा भाई और आगे में बैठूंगा तब ठीक है। तो इसके बाद क्लास खत्म हुआ और फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, तो दूसरे जो सब्जेक्ट वाले वो वहाँ पूछे, पूरा भीड़ भड़ा का हो गया, धक्का मुक्की देकर वहाँ से निकले और पुराने बिल्डिंग में आए, फिर वहाँ मैथ्स क्लास, फिर वहाँ से निकले, वहाँ भी भीड़ भड़ा का, वहाँ से भी निकले और वापस यहाँ आए फिजिक्स क्लास, क्योंकि फिजिक्स का क्लास ही नहीं हूँ। अपना एक एक्सपीरियंस हो गया कि भाग दौड़ जिंदगी में कैसी होती है, तो उतना भाग दौड़ करेंगे तो आगे फ्यूचर इन फ्यूचर भाग दौड़ करेंगे तो ये दिन याद रहेंगे कि कॉलेज में हम लोग कैसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाते थे। तो आप लोगों को यार सिस्टम कैसा लगा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने वाला, मुझे भी बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बोलना कि क्यों अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो क्या चेंज करना चाहिए और क्यों अच्छा नहीं लगा ये बताना। तो चलो अब इस ब्लॉग को कहते हैं इन, तो अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, और जो न्यू सिस्टम बना है कॉलेज में वो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करना। और हाँ जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके सर जोर से बोलिए ना।